कलेला प्राचीन काळापासून अनन्य साधारण महत्व प्राप्त आहे. पूर्वी भरतनाट्यम, कथ्थक असे पारंपरिक नृत्य प्रकार पाहावयास मिळायचे. परंतु नृत्याची एक वेगळी परिभाषा अवगत करून देणारे नवी मुंबईमधील सुप्रसिद्ध कोरिओग्राफर निखिल आनंद यांनी लहान मुलांना ही कला अवगत व्हावी याकरिता एलिव्हेट डान्स अकादमीच्या माध्यमातून आतापर्यंत अनेक विद्यार्थ्यांना मंच उपलब्ध करून दिला आहे. आणि याचाच एक भाग म्हणून शनिवारी वाशीच्या प्रदर्शनी केंद्रात 15व्या इलेक्ट्राचे आयोजन दिमागदार पद्धतीने करण्यात आले. यावेळी अनेक मान्यवरांनी उपस्थिती दर्शवत एलिव्हेट डान्स अकादमी व निखिल आनंद यांना शुभेच्छा दिल्या. जेथे अनेकविध नृत्य प्रकार मुलांनी सादर करत सर्वांचीच वाहवा मिळवली, जेथे DID फेम अमृता हिपहॉपला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेऊन जात भारताचे नाव जगभर करणारे कोरिओग्राफर सुरेश मुकुंद आणि निमित कोटीन याचबरोबर अनेक मान्यवरांनी आपल्या प्रतिक्रिया देत निखिल आनंद यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. इलेक्ट्रा 2016 फॉर मी इट इज ऍक्च्युली रिअली सरप्राइजिंग, क्योंकि जब मैं यहां पे व्हेन आई स्टेप्ड इन and I just went through the list and it was like 40 performances. I was like, really? Student strength, bingo, superb. Nikhil, you're doing a fantabulous job. And the best part about the show is jo age group hai inki, main shocked thi ek time pe. Nikhil ne actually stage pe bola bhi ye baat, kyunki I was shocked seeing ki ek
5 साल का बच्चा बैक टू बैक 3 परफॉर्मेंसेस विद कॉस्ट्यूम चेंज एंड ही रिमेंबर्स द एंटायर रूटीन. सो इट्स लाइक वाओ, क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे हैं. उनके लिए लाइक हमारे एज में हम लोग को अभी भी बिफोर यू स्टार्ट शूटिंग, बिफोर द क्लिक्स कम इन, यू स्टिल यू आर नर्वस. फॉर देम दे आर बिंदास. आई मीन दे आर एंजॉयिंग व्हाट दे आर डूइंग. एंड आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द बॉस. अगर बॉस सही तो सब सही. एंड आई एम सुपर इम्प्रेस्ड. एंड बहुत सालों बाद मुझे इसके बारे में पता चला, इलेक्ट्रा 16. एंड आई वुड एक्चुअली रिक्वेस्ट निखिल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर, एंड प्लीज कॉल मी अगेन एंड अगेन, आई एम लव्ड इट. मैं तो अभी से मेरे दिमाग में बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है, क्योंकि मैं बच्चों को देख रही हूँ एंड आई नो देर आर मेनी नॉन फिक्शन शोज कमिंग अप इन डिफरेंट नेशनल टेलीविजन्स. मेरा सबसे ज़्यादा पुश होगा बच्चों के. देर आर वेरी सिलेक्टेड, आई मीन आई हैड सीन good talents here, and I have a feeling that I'm definitely going to pitch them for the shows coming up. और एक चीज़ मैं निखिल के बारे में कहना चाहूँगी कि जो वो करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत heartlessly, मतलब उनके बहुत कुछ आशा नहीं रखते कि मुझे इसके बदले ये मिलेगा. कुछ expectations नहीं है उनका, तो जो चीज़ उनके बच्चों में भी दिखता है सो रिफ्लेक्ट बहुत अच्छा करता है. दे आर सो पॉजिटिव. And Nikhil is so, he himself is such a positive boss. So automatically, bacche, unke jo followers hai, I think they're just following his footsteps. Pehle wo meri mentor thi, ab main unke saath kaam karti hu. To mere liye ek itna bada opportunity jo unhone khol diya hai. I mean, she actually welcomed me with both hands open. And I really am so thankful to her. Kyunki aaj main jo bhi kuch hu, jahan bhi hu, I think it's for her. बहुत अच्छा लग रहा है. आई वुड लाइक टू थैंक निखिल आनंद फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे टोटल 40 परफॉर्मेंसेज हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म्स है. एंड जो इलेक्टिवेट डांस इंस्टीट्यूट है, इन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बिकॉज दीज आर द प्लेटफॉर्म्स जो नए नए टैलेंट्स को यू नो बढ़ावा देता है. एंड यहीं से बॉर्न होते हैं बहुत सारे टैलेंट्स. सो ही हैज़ टेकन अ ग्रेट इनिशिएटिव. आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम. एंड ऐसे ही आप करते रहो. एंड आई होप सो कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा टैलेंट जाए एंड यू विल फील प्राउड समडे कि आपकी ये एक इनिशिएटिव बहुत ही ग्रैंड सक्सेस दे रही है आपको. अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि हमारे सर पे पूरा देश की नज़र होती है कि हम क्या करने वाले हैं. एंड मेरी जो टीम है जो ये दूसरी बार जा चुकी थी, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थे. हम ऑलरेडी फाइनल्स में जा चुके थे, तो लोग लिटरली हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम जीत के वापस आए. सो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड उसको मेरी टीम ने बहुत अच्छी तरह से निभाया. एंड वी वॉन ब्रॉन्ज मेडल विच विल बी हिस्ट्री. एंड हमेशा के लिए ये जाना जाएगा लोगों की नज़रों में कि पहला इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल किंग्स यूनाइटेड लाया था. तो बहुत प्राउड फीलिंग है. निखिल इज ऑलरेडी डूइंग ग्रेट. एंड मुझे पता है क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ इवेंट्स लाता हूँ एंड लोगों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म देता हूँ. सो इज़ ऑलरेडी डूइंग अ ग्रेट जॉब. एंड मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि इसी तरीके से आप लोगों को सपोर्ट करें एंड जितने भी टैलेंट्स हैं उनको सपोर्ट करें, बिकॉज आप हम जैसे लोग हैं जो छोटा सा एक इनिशिएटिव लेते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े टैलेंट निकल के आते हैं. सो एलिवेट डांस इंस्टीट्यूट के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, छोटे से बड़े, सारे लोग बहुत ही टैलेंटेड है. एंड दीज आर द पीपल जो हमारे फ्यूचर है, जो हमारा नाम आगे बढ़ाने वाले कंट्री का, यही सारे लोग हैं. एंड सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है. एंड डेफिनेटली ही इज़ द पर्सन जिन्होंने उसे उन सारे बच्चों को ट्रेन किया है एंड इस तरीके के केपेबल डांसर्स बनाए हैं. एंड बस ऐसे ही करते रहो एंड थैंक यू. मुझे अच्छे लगे, अच्छे ये लगे कि जितने भी बच्चे थे इन्होंने दिल से नाचे. वजन लाइक यू नो टेक्निकली नाचना पड़ रहा था इनको. सो दे डांस द होल लाइक यू नो हार्ट आउट. और इट वाज बेस्ट थिंग कि निखिल इनको किस तरह से इंस्पायर कर रहा था. सो दैट वाज ए गुड पार्ट. ये डांस स्टाइल जो इंटरनेशनली जो हमारी जो स्टाइल है बॉलीवुड स्पेशली इंडियन क्लासिकल फॉर्म हो या जो भी हो जो इंडियन डांस से रिलेटेड है, वो इंटरनेशनली इतना एक्सेप्टेबल है एंड दे इन्जॉय एवरी बीट ऑफ इट. एंड ये मैंने नोटिस किया जब मैं इंटरनेशनली पहली बार गया. उससे पहले मैं सिर्फ हिप हॉप करता था, ओनली हिप हॉप. एंड मुझे पसंद नहीं था कि बॉलीवुड जब गाना बजता था आई नेवर यूज टू इन्जॉय. बट मुझे वहाँ पर जाके पता चला कि बॉलीवुड की कितनी इंपॉर्टेंस है. एंड आई फेल कि आई थिंक वी शुड स्टिक टू आवर रूट, हमारी कल्चर से जुड़े हुए रहना चाहिए. एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, यू नो एवरीवन एंजॉय.
इलेक्ट्रा 2016 ची सुरुवात गणेश वंदनेने करण्यात आली आणि तिथूनच सुरुवात झाली रंगतदार समारोहाची. Thank you.
पारंपरिक अशी लावणी आणि भरतनाट्यम सारख्या नृत्याविष्काराने सर्वच मंत्रमुग्ध होऊन गेले. तेथेच दुसरीकडे वेस्टर्न डान्स फॉर्म मध्ये सालसा, ब्रेक डान्स, फेमस बेली डान्स पाहावयास मिळाला.
can you handle this? या शोमध्ये येऊन डान्सचे अनेक रंग पाहायला मिळाले. मुलांची आणि पालकांची मेहनत दिसून आल्याचा आनंद कृषाद राणा, स्नेहा जगियासी, अश्विन घुगे, दीपक शेट्टी यांनी व्यक्त केला. ऑफकोर्स बहुत बड़ा प्लॅटफॉर्म है टैलेंट के लिए. जैसे कि सुरेश सर ने भी स्टेज पे बोला कि साल में दो बार एलिवेट के शोज होते हैं. इट्स अ वेरी बिग प्लॅटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स. लाइक इवन आई हैव टू थिंक दैट टुडे इफ आई वांट टू जॉइन अ डांस क्लास, अगर मुझे इस तरह का एनकरेजमेंट मिल रही है मुझे इस तरह की कि मैं स्टेज पे मुझे दो परफॉर्मेंसेस मिल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. निखिल सर बहुत ही प्यारा बंदा है. मैं उनको शायद अब 4 साल से जानता हूँ. वी जस्ट मेट एट एन इवेंट और हमारी दोस्ती हुई और तब से एक बॉन्ड हुआ है. एंड आई जस्ट फील इज़ अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, विच इज़ व्हाट आई लव अबाउट हिम. और आई थिंक वो एम्बिशियसनेस हम सबको इंस्पायर करती है. ये एक प्रोग्राम ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चों को स्टेज पे आने के लिए यू नो इट मोटिवेट्स. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. सो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. इट्स वेरी रॉ, द किड्स आर वेरी रॉ. एंड निखिल आनंद आई थिंक इज डूइंग अ रियली गुड जॉब बाय गिविंग देम अ गुड प्लेटफॉर्म टू कम एंड परफॉर्म एंड मोटिवेटिंग देम, गिविंग देम द कॉन्फिडेंस दैट दे कैन फेस द वर्ल्ड रियली क्विक एंड वेरी early at their age. Nikhil Anand, I think it's not easy for anybody to put up such a big show on such a big level with no sponsors on board. So I think this is a very, very big responsibility taken from by Nikhil Anand. So I think the children are very raw. They are very at a very young age they are performing really well and they have the confidence to face the world. So I think Nikhil Anand is really doing a good job. आणि आता सध्या तर मला पण एक आता न्यूबॉर्न मिळत आहे. लाईक इट्स लाईक 4 मंथ्स मी आय लव दिस अ लॉट. एनी टाइम आय एन्जॉय निखिल आनंद मी ते बोलेल की जे तू काय करत होतो करतोय ते नेहमी करत आहो ना वाटतं तरी सगळे सक्सेस होतात. डान्ससाठी तर चांगलं प्लॅटफॉर्म आहे पण त्यावरून मोठा प्लॅटफॉर्म हा एक आहे. तर लहानापासून ते मोठ्यांपर्यंत ही एक फॅमिली बनते. आता तुम्ही जर बघाल एक घर कसं असतं, घरांमध्ये पण एक लहान बाळपण असतो आणि एक मोठ्यातला मोठा आजोबा आजी वगैरे पण असते. मग त्या घरात आपल्याला प्रत्येकाकडून काय ना काहीतरी शिकायला भेटतं. मग हे निखिलानंद इन्स्टिट्यूट पण एक घरासारखं. मग डान्स व्यतिरिक्त भरपूर काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत जो प्रत्येक छोट्यातला छोटा आणि मोठ्यातला मोठा शिकू शकतो. हे ते सगळ्यात मोठी चांगली गोष्ट आहे. कुठल्याही अकॅडमीची असते पण इथे मी जास्त बघ. सुपर्ब सुपर्ब किड्स हॅव बीन गोईंग टू मेनी इव्हेंट्स ॲक्च्युली नवी मुंबई. And I have not seen such a big lot, and superb kids are dancing so brilliantly. The very good choreography and the superb editing, excellent. He is a very good personality actually in Navi Mumbai, and one of the best dance classes. You can say the top dance classes in Navi Mumbai is Elevate Dance Studio. I've been seeing them last so many years, and Nikhil Anand is like superb. He is growing up superbly. इतनी अच्छे छोटे से छोटे, मैंने इतनी 3-3.5 साल के बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखा और वो इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे. लाइक पीपल आर सो हैप्पी सीइंग देम एंड अंदर से दिल से परफॉर्म कर रहे थे. बड़ी मेहनत की है बच्चों ने और बड़े लेडीज़ ने भी परफॉर्म किए. दे वर ऑल्सो एक्सीलेंट सुपर्ब अगेंस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सुरेश जैसे सुरेश सर ने भी कहा था कि रॉ मटेरियल यहाँ तैयार हो रहे हैं एंड प्लेटफॉर्म तो मिलना ही है.
असली टॅलेंट आगे जायगा. इलेक्ट्रा डान्स अकादमीच्या माध्यमातून नेहमीच नाविन्यतेचे दर्शन घडवले जाते. याकरिता विद्यार्थ्यांकडून देखील विशेष मेहनत करून घेतली जाते. याचाच प्रत्यय मुलांनी सादर केलेल्या झोंबी डान्स, नेल डान्स आणि प्रोजेक्टर डान्स या डान्स फॉर्म मधून पाहायला मिळाला. तसेच यावेळी महाराष्ट्र क्वीन 2015 तसेच ग्लॅम आयकॉन 2015 विजेती तस्विन सैगल आणि यमहा मिस दिवा 2015 फायनलिस्ट हेमाली सोनी यांनी सर्वांच्याच परिश्रमाचे सोने झाले असल्याच्या भावना व्यक्त केल्या. आय एम रिअली एन्जॉईंग द शो, द किड्स आर सो गुड अँड आय एम रिअली थँक्सफुल टू निखिल वन्स अगेन फॉर हॅव्हिंग मी, फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ द शो. थँक यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टुडंट्स ओव्हर हियर, दे आर जस्ट अमेझिंग. I just can say wow, they are just like, it's not easy to be on stage and perform.
Like, I'm a model, I know it's very difficult to face so much audience, like there are thousands of people watching them. It's not an easy job. That's great. I think the program is great. The kids have done a great job, and I was literally, you know, dancing on my seat because, you know, I'm a dancer as well. I am a classical dancer. I've learned belly dancing, and I really enjoyed the program because I could really see the kids enjoying more than anything. Keep dancing on one side, the kids were really enjoying. They had a really great time, and seeing them having so much fun, I had fun too. Yes, I think this was a great platform. It was a huge platform for kids. I think after performing on such a big platform, they're going to feel even more confident and they're going to love dancing. वैविध्यपूर्ण नृत्य आविष्कारानंतर रॅम्प वॉक देखील ठेवण्यात आला होता, ज्यामुळे मुलांमधील आत्मविश्वास दुणावल्याचा दिसून आला. We'll be right back.
त्यातच इलेक्ट्रामध्ये सहभागी झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. या संपूर्ण कार्यक्रमासंदर्भात अधिक माहिती देताना इलेक्ट्राचे प्रमुख निखिल आनंद यांनी सांगितले, ये मेरा 15वा इलेक्ट्रा था, 15th इलेक्ट्रा था और मुझे खुद बिलीव नहीं होता है कि हम इस मुकाम पर भी पहुँचेंगे. जब हमने शुरू किया था, जब हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रा था, तब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें सीखने की ज़रूरत थी. हम दूसरों को तो सिखाते हैं मगर हम खुद भी लर्न करते हैं हर एक चीज़ से. हर दौर एक नया कुछ ना कुछ नया लेकर आता है और इस दौर में हमने ये चीज़ सीखा कि जब इतने सारे डांस फॉर्म हम क्रिएट करते हैं, हम बनाते हैं, तो हमें उसी तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रा में. इलेक्ट्रा एक मंच है जो एलिवेट डांस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को मिलता है और 35-40 डिफरेंट डांस फॉर्म्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 4-5 घंटे का डांस शो हर एक बच्चे के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक परफॉर्मर के लिए स्टेज पर परफॉर्म करना होता है. आज का जो शो इलेक्ट्रा 2016 जून शो हमारा जो था वो बहुत अच्छा हुआ और बहुत सक्सेसफुल इवेंट हुआ. हमारे इतने सारे सेलिब्रिटी गेस्ट जो आए और मैं उनको बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, उन्होंने टाइम निकाला अपना, बहुत सारे शूट्स कैंसिल करके वो यहाँ पर आए हैं और मैं आपके माध्यम से इतने बड़े चैनल के माध्यम से सारे नवी मुंबई कर्स को बोलना चाहूँगा कि डांस सीखने की कोई उम्र नहीं है. आप जब जो भी उम्र है आपकी, आप डांस सीख सकते हैं. आपको खाली एक जज्बा लेना है कि हम डांस करना चाहते हैं, बस आप आइए और हम आपको डांस सिखाएंगे. मेरी 3 ब्रांचेज हैं, सीवू, थारगढ़, वाशी. ये तीनों ब्रांचेज में एलिवेट डांस इंस्टीट्यूट के तीनों ब्रांचेज में सारे स्टूडेंट्स को वो सारे डांस फॉर्म सिखाए जाते हैं जो इंटरनेशनली और नेशनली अवेलेबल हैं. उसके अलावा हर साल हम कम से कम 8 नए डिफरेंट डांस फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं जो हम अपने शो इलेक्ट्रा, जो हमारा ब्रांड शो है, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम शोकेस करते हैं. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने अपना समय दिया, कीमती समय दिया और वो यहाँ आए. वो एक बहुत बड़ा मोटिव था कि बच्चों को हमें बूस्ट करना है, उन्हें हमें मोटिवेट करना है कि वो भी एक ना एक दिन सेलिब्रिटी बनेंगे. और उन सब जितने भी सेलिब्रिटी आए थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, वो एंड तक रुके. उनके हाथों हर बच्चों का अवार्ड मिले, फेलिसिटेशन हुआ हर बच्चों का, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. हम यही सोच रखते हैं कि अगर हम एक बड़े मंच में परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें उसमें उसकी खूबियाँ निखारनी है, हमें उसे उस तरीके से निभाना है कि हम वो हर डांस फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकें अच्छे तरीके से. इलेक्ट्रा 2016 वॉज अ रियली 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 हिट एंड आपने तो जैसे देखा कि पूरे शो में बहुत सारे डिफरेंट डांस फॉर्म्स थे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने हमें सपोर्ट किया. वो आए यहाँ पर, बच्चों को उन्होंने अवार्ड दिया, हर डांसर्स को हमने फेलिसिटेट किया स्टेज पे और 35 डिफरेंट डांस फॉर्म हमने इस बार रिप्रेजेंट किए. तो आप जरूर देखिए हमारे सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे एलिवेट डांस इंस्टीट्यूट के. या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन करण्यासाठी त्यांच्या पालकांनीही मोठ्या प्रमाणात सहभाग दर्शवला होता.